नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं वार्ड नंबर 8 महुआ से पार्षद विजय शाह। तो चलिए लाइव सेशन में आज रूबरू होते हैं पार्षद विजय शाह से। विजय जी नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है विजय जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। विजय जी कैसा है वार्ड का हाल, क्या कुछ विकास हुआ आपके कार्यकाल के दौरान? विकास तो हो रहा है हमारे कार्यकाल में। हम 2019 के 20 मार्च को चुनाव जीते थे जी, और अभी तकला जो हुआ है हमारे रीजन में भी सरकार द्वारा जैसे नली गली रोड का निर्माण जो होता है उसका अब अभी तक आवंटन नहीं आया। लगभग 9 करोड़ रुपया महुआ नगर पंचायत के लिए 2019 से पूर्व में ही आवंटन था, जो सरकार द्वारा अभी तकला राशि महुआ नगर पंचायत को नहीं दिया गया, जिसके कारण बहुत सारा हम लोग का कार्य विकास रुका हुआ है। जी जी, तो और आवास योजना की क्या स्थिति है, उसमें कितने लोगों को लाभ? आवास योजना हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है। लगभग जी लगभग हम अपने कार्यकाल में 90 के आसपास आवास योजना में हम फर्स्ट किस्त का पेमेंट करवाए हुए हैं सबको। लगभग कुछ बचा हुआ है, और पूर्व में जो पार्षद थे उनके द्वारा 70 को आवास दिया गया था, जिसमें लगभग 80% आवास कंप्लीट है जी, और उसका हम फाइनल पेमेंट भी लगभग करा चुके हैं जी जनता को। और नल जल योजना की क्या स्थिति है विजय? नल जल योजना की स्थिति हमारे वार्ड में, जहाँ मेरा वार्ड है वहाँ पर जहाँ पब्लिक ज़्यादा है, दलित क्षेत्र है, जहाँ कल नहीं है, हम लोग तो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ मैंने दलित समाज हम लोग हमारे वार्ड में ज़्यादा है, जहाँ कल नहीं है वहाँ हमने चुनाव जीते 2019 में, और 19 में मार्च में सुखाड़ आया था बिहार में, जिसमें कल का पानी सूख गया था। उस समय हमने सरकार द्वारा जो नगर परिषद नगर पंचायत द्वारा टैंकर का पानी, मात्र एक टैंकर पानी मिलता था और 150 घर को पानी हम लोग को मुहैया कराना पड़ता था। उस समय हमने पब्लिक को एक टैंकर मिलता था पानी, और हम अपने घर से समरसेबल से टैंकर भरवा के पूरे वार्ड में लगभग 6 से 7 टैंकर पर डे पानी बंटवाते थे। उसी तरह बंटवाते बंटवाते 6 महीना हो गया, उसके बाद मानसून आ गया तो फिर पानी का लेवल आ गया, जिसके कारण फिर कल में पानी देने लगा। फिर हमने सरकार में स्कूटी अफसर को, नगर अध्यक्ष जो हमारे पार्षद अध्यक्षा है कौशल्या देवी, उनको भी हम कहें कि भाई हमारे वार्ड में पानी की स्थिति बहुत बेकार है, पूर्व में जो पार्षद जो नल जल योजना का आवंटन लिए थे वो हमको करवा दीजिए। तो बहुत PhD का कुछ लफड़ा बना था, जिसके कारण हम लोग को वार्ड में नल जल का कार्य नहीं हो रहा था। जैसे कि हमारे वार्ड में ना महुआ PhD का टावर गड़ा हुआ है, लगभग नगर पंचायत से पहले लगभग सरकार द्वारा 5-6 करोड़ की योजना महुआ नगर पंचायत को मिला था, जो मेरे वार्ड में गड़ा हुआ है, और वो नल जल योजना का 5 करोड़ रुपया रोड पे खर्चा हो गया, लेकिन आज तक जनता को पानी नहीं मिला, जिसके कारण हमारे वार्ड में नल जल योजना नहीं हो रहा था। डायरेक्ट PhD से निर्देश था कि जिस वार्ड में नल जल योजना मिलेगा उस वार्ड में PhD का टावर नहीं होना चाहिए, और PhD का टावर है तो उसको नल जल नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत प्रयास करने के बाद मैंने मान मनोबल हुआ अफसर सबका, तो हमको एगो नल जल योजना मिला, उसको हम अपना जनता के बीच करवाए, लेकिन पानी वहाँ मिलता है पूरा। अभी भी लगभग 30% हमारा वार्ड खाली है जो नल जल योजना नहीं हुआ है। एक और हमारा नल जल योजना का आवंटन आया था, टेंडर भी होल है, और हम ठेकेदार जो संवेदक है उसके मैंने उदासीनता के कारण हमारे वार्ड में आज तक ला दूसरा फेज का नल जल योजना नहीं हुआ। हर बार हम स्कूटी अफसर को भी कहें, लेकिन वो कहते कि भाई संवेदक को हम कहते कहते थक गए, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा। हम बोले कि उसको रद्द करवा के फिर से हमको करवा दीजिए, आधा जनता को पानी मिलता है आधा जनता को नहीं मिलता। जी जी यही है।
और जी जी और विजय जी, राशन कार्ड की क्या व्यवस्था है? लोगों को अनाज वगैरह का वितरण सही समय पर हो जाता है? जैसे हम 2019 में जब चुनाव जीते थे ना, तो मार्च का महीना जब 20 आया था, तो 30 मार्च को बिहार भारत बंद हुआ था कोरोना के लिए। उस समय राशन का जो आवंटन था 2 महीना का पूर्व में जो डीलर था वो बेच लिया था। उस समय में हम इस महुआ वीडियो अभी लोग जो देखते हैं राशन का अथी देखते हैं, उन लोग को कंप्लेन किए थे। तो उस समय एक संवे अति जो क्या कहते हैं राशन प्रणाली का जो दुकानदार है उनको आवंटन रद्द हुआ था। वो लगभग 6 महीना बाद फिर उनको बहाल किया गया। उस आवर में राशन कार्ड बनाने का भी सरकार द्वारा निर्देश आया था, तो हमने अपने वार्ड में लगभग 60 गो से अधिक परिवार से राशन कार्ड हम बनवाए थे गरीब को जी। और पर आदमी को जो सरकार द्वारा जो आवंटन फ्री आता है सो, अब बिहार सरकार द्वारा जो आता है सो, दोनों आवंटन हम ठहरा होकर बंटवाए थे। राशन कार्ड बनवाए थे और अनाज दिवाए थे डीलर से। जी जी जी। और पेंशन योजना में कितने लोगों को लाभ इस वक्त हो रहा है वार्ड में? क्या जी का पेंशन योजना में कितने लोगों को लाभ हो रहा है इस वक्त? पेंशन योजना हमारे वार्ड में लगभग कंप्लीट है। मैंने हम लोग तो घर जा जा के किसी का उम्र 60 वर्ष पुरता है तो हम लाइए आपको पेंशन कर देते हैं। बहुत मुसमाती पेंशन करवाते हैं, विकलांग पेंशन जो उसको मिलता है वो सब करवाए हैं। लगभग कंप्लीट है जी। विजय जी, इस वक्त वार्ड में क्या कुछ और समस्या सामने आ रही है जो आप बताना चाहेंगे? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है जैसे कि ये मेन मार्केट है मेरा, 8 नंबर वार्ड है, महुआ का हॉट है। माने कि मेरे वार्ड में ब्लॉक है, मेरे वार्ड में वीडियो का आवास है, मेरे वार्ड में जन प्रणादी जो क्या कहते हैं राशन का गोडाउन है, राशन केंद्र होता है ना इसका उसका गोडाउन है, बहुत बड़ा गोडाउन है जो सरकार का सारा अनाज यहीं से महुआ के बटता है। मेरे वार्ड में अग्निशम विभाग का ऑफिस है, मेरे वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका केंद्र का ऑफिस है, लगभग सब मेरे ही वार्ड में है। लेकिन फिर भी हम पिछड़े हुए हैं सरकार के उदासीनता, माने जो आवंटन पूर्व में निर्धारित किया गया था महुआ नगर पंचायत को, वो राशि अभी तक अनुग्रहित नहीं किया गया जो हम लोग इंतजार करते रह गए। जैसे हमारे वार्ड में 1980 में जो नाला बना वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, पूरा महुआ का पूरा एक वार्ड का नहीं कर रहे हैं, नदी के ये पार जितना भी वार्ड है लगभग 8 वार्ड है, वो सारा वार्ड का पानी हमारे ही नाली से गुजर के नदी में जाती है जी। वो नाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हम उस नाला के लिए कितना बार हम आवंटन बना के दिए हुए हैं, नापी भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन नगर परिषद नगर महुआ नगर पंचायत में आवंटन आया नहीं, पैसा है ही नहीं जो हमको टेंडर में भेजे या उसको आगे काम करा पाए जी। माने मेरे वार्ड में लगभग अभी कम से कम 5 नाला, लगभग 1000 फीट का एक नाला होगा, कम से कम 200 फीट का एक नाला होगा और 300 फीट का एक नाला होगा, और 200 करके 3-4 गो नाला होगा। जो मेन गली है उस सबको नाला की जरूरत है और नाला के लिए पैसा चाहिए। उस तरह का पैसा हमारे नगर पंचायत में है ही नहीं जो हम लोग आवंटन में भेजें और संवेदक अथी टेंडर में भेज के काम करवाएं। ये थोड़ा दिक्कत है महुआ नगर पंचायत में जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता जी बिल्कुल अब विजय जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गलियों वगैरह का निर्माण नहीं हुआ और नाले की कमी है, तो जल जमाव की समस्या अभी बारिश के दिन आ रही है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी लोगों को। अभी अभी आप मीडिया वाले आए हुए थे अभी झारखंड न्यूज से, तो हमारे सामने ही जेसीबी लगा हुआ है नाला का जो उगाही करने के लिए। हमारे घर के सामने ही जेसीबी का लगा हुआ है, पूरा गांधी चौक से जेसीबी से क्लियर करते हुए आ रहा है। थोड़ा सा बारिश होता है एक रोड पर 1 फुट 1.5 फुट पानी जम जाता है जी। जी, तो फिर लोगों में तो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी असंतुष्टि हो, आक्रोश होगा? आक्रोश तो रहता ही है, मैंने अब क्या करें, मैंने नाला का सही से निर्माण नहीं है, नाला का निकासी नहीं है, पानी जाए तो कैसे जाए। जी जी जी, स्थिति आक्रोश होगा ही, जनता में इस तरह का आक्रोश रहता ही है। हम लोग ठहर के ठहरा होके काम करवाते हैं, पानी निकल, जैसे जैसे कल बारिश हुई
एक फीट पानी जम गया, आज सुबह गए कि विजय फिर जमा हो गया पानी, हम के लिए ट्रू को हम फोन करते हैं, तो अभी जैसे भी आया आगे का नाला क्लियर कर रहा है, आगे का नाला जैसे क्लियर करेगा पीछे का नाला पानी जितना है नदी की तरफ ढूंढ जाएगा। जी 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 विजय जी, बिहार झारखंड नेटवर्क से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करेंगे कि जो कुछ समस्याएं आप बता रहे हैं अपने वार्ड को लेकर, उन सारी समस्याओं पर ध्यान दें। एक मैडम जी, मैडम एक बात और कहना था, महुआ नगर पंचायत में लगभग 3000 लाइट आया था, लाइट स्ट्रीट लाइट होता है पुल पर लगता है, जी जी जी, उसमें भी सरकार द्वारा उदासीनता है, जैसे कि लगभग अगले साल दुर्गा पूजा के समय में लाइट आया था, लगभग कुछ वार्ड में लाइट लगा है, लगभग में 400 आसपास लाइट लगा, प्रत्येक वार्ड का आवंटन था 200 लाइट लगाने का, हमारे वार्ड में तो एक भी लाइट नहीं लगा और वो संवेदक सारा लाइट लेके भाग गया, मैंने आज तक ला ये वो हम लोग को लाइट इधर नहीं लगा, मुश्किल से 3-4 वार्ड में लाइट लगा है, वही लाइट का संख्या है 400 से 500, बाकी 16 वार्ड में लाइट सही से नहीं लगा, और वो माने 3000 लाइट का आवंटन था लगभग, माने जोड़िए ने एक लाइट इसके लिए विजय जी आपने कहीं पर शिकायत भी किया? हम लोग शिकायत किए, स्कूटी अफसर को दिए, वहाँ क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री के महोदय के यहाँ भी लेटर गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ जी। और लाइट वाला लाइट जो लगाने वाला आया था वो पूरा लगभग यहाँ लाइट था 2000 के आसपास लाइट गोडाउन में था, और रातों रात मैंने सारा माल रोल लोड करके एक निकल गया बिना सूचना के। जी जी बिल्कुल, प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने पर विकास तो बाधित होता ही है, ये बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि वार्ड की जनता का क्या कुछ कहना है, वार्ड के जनप्रतिनिधि और अपने वार्ड के विकास को लेकर। क्या नाम हुआ चाची? सरिता देवी। आपके वार्ड काउंसलर कौन है, वार्ड कमिश्नर? वार्ड कमिश्नर विजय पास विजय शाह है। विजय शाह है, मिलने मिलने आते हैं? मिलने आते हैं, आते हैं, काम हम किए हैं। हाँ किए हैं। आवास मिला आपको? हाँ मिला है। कितना किस्त मिल गया? पहला किस्त मिला है 50। पचास? बस एक ही किस्त मिला है? हाँ अभी एक ही किस्त मिला है। मकान कहाँ तक बना है? वो अभी कुर्सी हुआ है। अच्छा कुर्सी हुआ अभी। हाँ। नली वली नाला नहीं अभी, अभी नाला नहीं, नाला नहीं बना है, नहीं बना है। पानी वानी आता है? हाँ पानी आता है, नल में आता है पानी। पेंशन वेंशन किसी को मिल रहा है घर में? नहीं हमको सके नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलता। बाथरूम? हाँ बाथरूम है, मिला है? हाँ मिला है। चलिए ठीक है, बोला। क्या नाम हुआ? ललिता देवी। रंजीता देवी जी, वार्ड क्या बोले? ललिता देवी। ललिता देवी। वार्ड कमिश्नर कौन है आपके? विजय पासवान। विजय पासवान, विजय शाह। विजय शाह, विजय शाह। नाम भी नहीं पता आपको अपने वार्ड कमिश्नर का? हाँ जानते हैं। अच्छा गड़बड़ा गए थे? हाँ। आते हैं मिलने के लिए? हाँ आते हैं। काम हम किए हैं? हाँ मेरे ससुर जी को दिए हैं पैसे घर बनाने के लिए। आवास कितना मिला पैसा? 2 लाख। पूरा कंप्लीट हो गया, मिल गया, घर बन गया आपका? हाँ। अच्छा अच्छा, नल लाता है पानी? हाँ नल आता। कैसे व्यक्ति हैं? ठीक है, काम हम अच्छे से करते हैं। हाँ ठीक। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। कितना नंबर वार्ड है ये? 8 नंबर। 8 नंबर वार्ड में आपका मकान है? जी। 8 नंबर वार्ड में आपका मकान है? जी 8 नंबर वार्ड। आवास मिला है? आवास मिला है तभी तो मकान है। अच्छा अच्छा, आवास मिला तभी मकान है, इसके पहले? इसके पहले नहीं थी। कहाँ रहते थे? महुआ में। महुआ मतलब किराया पे? नहीं जमीन अपना था लेकिन मकान नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। वार्ड कमिश्नर कौन है? अभी तो प्रेजेंट में विजय शाह है, इससे पहले मुनेश्वर दास जी थे, उनके द्वारा आवंटन पास हुआ था। आवास में पैसा से नहीं मांगे? जी नहीं, बहुत जगह के 20-25 हज़ार लोग मांगे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, ये नहीं मांगे कुछ। जैसे अभी जो प्रेजेंट में वार्ड पार्षद है, हमारा काम मतलब मेरे पापा जी के नाम से पास हुआ था, तो वो उस टाइम मुनेश्वर दास जी थे वार्ड पार्षद, उन्हीं के द्वारा काम हुआ था। अच्छा पानी वानी आता है हर समय? क्या टाइम पानी आता है? 3 टाइम। 3 टाइम पानी आता है जी। नाला का यहाँ समस्या है थोड़ा? सिर्फ नाला का समस्या है, और कोई समस्या नहीं। और रोड का थोड़ा भी स्थिति थोड़ा बहुत खराब ही है। अच्छा नाला और रोड की समस्या है जी। जी वार्ड पार्षद आपके कैसे हैं?
अभी तो फिलहाल तो ठीक है, बात का तो पता नहीं है। अच्छे हैं, मतलब बात के क्या, चार साल हो गया ना भाई। मतलब जो भी नेता, मतलब जो भी वार्ड, जब से नगर पंचायत हुए हैं दोनों नेता ही ठीक थे। चलिए धन्य। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। राकेश कुमार जी, वार्ड कमिश्नर कौन है आपके? जी, मेरा वार्ड कमिश्नर विजय शाह है। कितना नंबर वार्ड है ये? ये 8 नंबर वार्ड है। 8 नंबर वार्ड है। 8 नंबर वार्ड में कुछ काम हुआ है? काम तो हुआ है, लेकिन यही नाला वाला पानी वानी, जब भी बारिश आता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मतलब निकलने के लिए, मतलब इतना पानी लग जाता है यहाँ पे, निकलने में आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। बाकी तो बहुत कठिनाई होता होगा? बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है। घर में भी पानी घुस जाता है? घर में पानी तो नहीं घुसता, लेकिन हाँ, बाहर जो भी होता है निकलने के लिए बहुत समस्या होता है। बहुत दिक्कत है रोड का और पानी निकासी का। पानी निकासी का, पानी, नल का पानी आता है पीने वाला? नल का पानी तो आता है पीने। उस समय कैसे पीते हैं जब नल तो डूब जाता होगा? नल तो डूब जाता है, बाकी में उस टाइम पानी कैसे लेते हैं पीने का? जैसे बारिश नहीं रहता तो हम लोग को कोई समस्या नहीं होती है। बारिश आ जाने के बाद तो आने जाने में भी दिक्कत होता है और पानी वानी का समस्या भी बहुत ज्यादा। कुल समस्या का जड़ है बारिश की पानी। जब यहाँ पे कोई नाला का सही व्यवस्था नहीं है, इस वजह से हम लोग को पानी कहीं निकलने का कोई जगह नहीं है, इसलिए जो भी बारिश होता है बारिश का पानी सब यहाँ का जमा ही रह जाता है। विधायक जी नहीं आते यहाँ के? नहीं, विधायक जी तो यहाँ पे कभी आए ही नहीं। वोट दिए थे विधायक जी को? हाँ बिल्कुल, वोट तो दिए ही थे। तो सब लोग मिलकर पूछते का नहीं? अब पूछने, कभी दिखाई देंगे तब तो पूछेंगे। महुआ में हम लोग तो वोट कैसे दिए? वोट मतलब ये देख के दिए हैं कि हम लोग को उम्मीद था काफी कि कुछ अच्छा करेंगे, बट आपको तो पता ही है नेता लोग आने के बाद। फिर वार्ड पार्षद से कंप्लेन कीजिए कि विधायक जी से कंप्लेन करें। जी जी, वार्ड पार्षद से तो पानी का समस्या नहीं दूर होगा। जी वो तो है, काफ़ी समस्या तो है, बहुत सारा समस्या है जो कि विधायक लोग भी कुछ नहीं कर पाते हम लोग के कॉलोनी के लिए। खास करके ये बाजार का कॉलोनी है, यहाँ पे ऐसा समस्या नहीं होना चाहिए था। नगर निगम है, उसी हिसाब से ऐसा समस्या तो नहीं होना चाहिए। चुनाव में ध्यान दीजिए कि वैसे आदमी को दिए जो आपको पानी का समस्या, आज से समस्या नहीं है, तो बहुत पुराना समस्या पानी का। देखिए एक्चुअली जो बात ये है कि कोई भी नेता को पहले हम लोग कैसे परख पाएंगे, जब तक कुछ काम नहीं करेंगे तब तक। ये पानी का समस्या आपका तो आज का नहीं है, पानी का समस्या तो बहुत पुराना है यहाँ। जल जमा बहुत दिन का जी, ये जल जमा बहुत बहुत पहले से समस्या है। आते हैं नेता लोग, क्या है, दिलासा दे के अपना चले जाते हैं, उसके बाद बाकी समस्या तो आम पब्लिक को झेलना पड़ता है ना। नेता लोग को क्या है, वो तो आएंगे अपना वोट लेके जाएंगे। तो इस बार पूछ लीजिएगा, आएंगे वोट मांगने तो? जी जरूर, इस बार तो वोट देंगे तो सबसे पहले पूछेंगे कि आप ये करके करेंगे तभी हम आप लोगों को वोट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे हम वोट। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए पार्षद विजय शाह, जिन्होंने बताया कि लगभग 2.5 से 3 वर्षों का कार्यकाल उनका हुआ और वार्ड के विकास के लिए तमाम प्रयास किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तौर पर उतना सहयोग नहीं मिलता, फंड की कमी रहती है, जिस वजह से PCC का कार्य हो या लाइटों का कार्य हो उसमें काफ़ी कमी रह गई और कार्य अभी तक वार्ड में पूर्ण रूप से नहीं हुआ विकास। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रमुख समस्या बताई कि इस वार्ड में नालों का निर्माण करवाना बहुत ज़रूरी है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे जल जमाव से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।